Mukesh Ambani is back to being the richest man in Asia as per Bloomberg's Billionaires Index. Mukesh Ambani, the chairman and MD of Reliance Industries, as we know, has overtaken Gautam Adani. Remember, Adani had taken over Ambani earlier in February, but Ambani has now regained his spot. We're going for the moon. इंडिया में ज्यादातर लोगों का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अडानी और अंबानी के लिए काम करती है। वेल, उनका कहना गलत भी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के बड़े बिजनेसमैन का अपने देश की राजनीति पर प्रभाव रहता ही है। उदाहरण के लिए फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जैकब जुमा का गुप्ता फैमिली के साथ एलिजिट कनेक्शन के कारण सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। इसी तरह का प्रभाव कुच ब्रदर्स का यूएस पॉलिटिक्स पर और ओलिगार्कीज का रशिया पर। यदि इतिहास में झांका जाए तो देश में हर सरकार को रीइलेक्शन के लिए मनी की जरूरत पड़ी है, स्पेशली इन डेमोक्रेसीज। हु प्रोवाइड मनीज? हमारे पास तो अमेरिका की तरह पीएसीज भी नहीं है और ना ही हम लोगों ने कभी एमपीज और एमएलएज को चंदा मांगते हुए देखा है जैसे अमेरिका में होता है। तो पैसा आता कहां से है? सिंपल सी बात है, मनी कम फ्रॉम बिग बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी फ्री में नहीं करता। पैसे एक कीमत पर आती है और सरकार उस कीमत को किस तरह अदा करती है उसका लिटिल बिट आइडिया हम सबको थोड़ा है ही। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं अमित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी। और हम सब लोगों ने कभी ना कभी मुकेश अंबानी का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज किया ही होगा। यदि बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो मुकेश अंबानी और उनके कारोबार ने पिछले 30 महीने में 257% के दर से ग्रोथ की है। ऑन द अदर हैंड, उसी समय इंडियन इकोनॉमी की नेट ग्रोथ -2.45% थी और ग्लोबल इकोनॉमी -1.42% के साथ आगे बढ़ रही थी। इसका मतलब अंबानी की ग्रोथ रेट 100 गुना ज्यादा थी मार्केट ग्रोथ रेट से। केवल इलोन मस्क का फिगर 263% के साथ मुकेश अंबानी से ज्यादा है। और उन्होंने 2018 से 2020 के बीच 190 पेटेंट के लिए अप्लाई किया और उन्हें 83 के लिए अप्रूवल मिल गया, व्हिच इंक्लूड सम कटिंग एज बैटरी डिजाइन। ऑन द अदर हैंड, अंबानी ने सिर्फ नई दुकानें खोली और उनके भाई अनिल अंबानी का 2012 में यही आंकड़ा 83 था और आज वो बैंकक्रप्ट है। इसीलिए मुकेश अंबानी का ह्यूज ग्रोथ इन वैल्यू हाईली क्वेश्चनेबल है और सरकार के सपोर्ट के बिना यह आंकड़ा छूना मुश्किल लगता है। यदि गौतम अडानी की बात करें तो 2021 में उनके पास $67 बिलियन और डिफरेंट बैंकों और बॉन्ड होल्डर के पास से $4.67 ट्रिलियन। यदि उनकी संपत्ति को शेयर होल्डर से घटाकर देखा जाए तो उनके पास 18,300 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है 2021 के डेटा के मुताबिक, जो कि उनके बकाए के लगभग 3.3% है। इस तरह की सिचुएशन में अडानी साहब को किसी भी दूसरे देश के प्रोजेक्ट में बिडिंग और दूसरे कंपनी को टेक ओवर करने से रोका जाएगा अंटिल ही गॉट दिस 3.3% फिगर टू 8% इन USA और 12% इन स्विट्जरलैंड। यदि इसी फिगर को दूसरे बिजनेसमैन के साथ कंपेयर किया जाए तो जेफ बेजोस के पास 10.4%, मार्क जकरबर्ग के पास 7.7% और बिल गेट्स के पास 14.8% है। ऑन द अदर हैंड, भारत के अन्य बिजनेसमैन जिनकी सिचुएशन अडानी की तरह है CBI और ED के इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। उदाहरण के लिए किशोर बियानी, विजय मालिया और नरेश गोयल ऑल आर अंडर CBI इन्वेस्टिगेशन एंड कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।